हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आज की ट्रेन है 22199 सुशासन एक्सप्रेस। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर रेलवे स्टेशन तक चलती है। ये ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से स्टार्ट होती है और बलरामपुर जंक्शन इस ट्रेन का डेस्टिनेशन पॉइंट है। ग्वालियर जंक्शन का स्टेशन कोड है GWL और बलरामपुर का स्टेशन कोड है BPL। ये ट्रेन हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। हर बुधवार को ये ट्रेन ग्वालियर से रवाना होती है और हर गुरुवार को ये ट्रेन बलरामपुर जंक्शन पहुंचती है। इस ट्रेन का इनॉगरल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था गुरुवार 25 दिसंबर 2014 को और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवे को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही है। तो आज की ये वीडियो इसी ट्रेन से रिलेटेड होने वाली है। ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे जैसे कि सभी वीडियो में बताते हैं हम। और अगर आपको किसी और ट्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस ट्रेन का नंबर लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ग्वालियर जंक्शन से बलरामपुर तक के 952 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 16 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 11 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए बलरामपुर पहुँचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जो कि बेलरा नगर से तुगलकाबाद के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिविजन ऑपरेट करता है। ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दो टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाएंगी। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रेन में फूड सर्विस के लिए। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कम्फर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें जनरल क्लास का 4 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 5 कोच रहता है, थर्ड AC इकोनॉमी का 1 कोच रहता है, नॉर्मल थर्ड AC का 4 कोच रहता है, सेकंड AC का 1 कोच रहता है इस ट्रेन में। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान ग्वालियर से बलरामपुर तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WAP-7 रहता है, जो कि इस ट्रेन का ऑफिशियल लिंक है। किराए के बारे में बात करते हैं। जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवेज द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है और ये किराया ग्वालियर से बलरामपुर तक का पूरा कंप्लीट किराया होगा। जनरल क्लास का बेस पे रहता है 250 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 15 रुपये। इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया हो जाता है 280 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस पे रहते हैं 450 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये। इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 500 रुपये। थर्ड AC इकोनॉमी का बेस फेयर था 1077 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 58 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC इकोनॉमी का टोटल किराया हो जाता है 1220 रुपये। नॉर्मल थर्ड AC का बेस फेयर था 1162 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 63 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1310 रुपये। सेकेंड AC का बेस पे रहता है 1676 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 89 रुपये। इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया हो जाता है 1860 रुपये। ये सब जो किराया मैंने आपको बताया सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं इन फ्यूचर तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर लेना कि उस टाइम पे इस ट्रेन का किराया क्या रहता है, क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने किराए पे समय समय में बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन ग्वालियर से रवाना होने के कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लग जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर टाइम है दोपहर के 2:55 का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया है आगे, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो अपने स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लेना कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। पहला स्टॉप है मुरैना, यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3:20 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 3:22 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। दूसरा स्टॉप है आगरा कैंट, यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:15 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 4:20 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। तीसरा स्टॉप है मथुरा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम के 4:55 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 4:57 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। चौथा स्टॉप है फरीदाबाद, यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:35 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 6:37 से रवाना होते हैं। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है।
पांचवा स्टॉप है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर यह ट्रेन शाम के 7:15 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 7:25 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। छठवा स्टॉप है गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 8:06 पर नंबर 2 पर पहुँचती है और 8:08 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। सातवां स्टॉप है मुरादाबाद जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 10:30 पर नंबर 1 पर पहुँचती है और 10:38 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 8 मिनट का स्टॉप है। आठवां स्टॉप है बरेली जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात के 11:59 पर नंबर 1 पर पहुंचती है और 12:01 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। नौवां स्टॉप है लखनऊ चारबाग। यहाँ पर ट्रेन रात के 3:30 पर नंबर 3 पर पहुंचती है और 3:40 में से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। दसवां स्टॉप है गोंडा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 5:40 पर नंबर 2 पर पहुंचती है और 5:45 से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। ग्यारहवां स्टॉप और ट्रेन का डेस्टिनेशन है बलरामपुर। यहाँ पर यह ट्रेन आपको सुबह के 7 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा देती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।